प्यारे स्टूडेंट, हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन किया था, इस पे एग्जांपल भी किए थे। अब देखिए, आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम सॉल्व करेंगे एक थर्ड एग्जांपल। देखिए, आप पे सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। कंडीशन हमारे पास गिवन है, इनिशियल वैल्यू ऑफ प्रॉब्लम जो कंडीशन है वो हमारे पास गिवन है वाई ऑफ वन इज जीरो, मीन्स एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास है वन, मीन्स एक्स इज इक्वल टू वन, और वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास है जीरो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जो के हमारे पास है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप इसी डी एक्स को इसके साथ में यहाँ पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, देखिए यहाँ पे इसको इस साइड पे ट्रांसफर करें तो ये माइनस होगा प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। क्लियर? देखिए, यहाँ पे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, देखिए अब इसी डी एक्स को इस साइड पे ट्रांसफर करें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट प्लस वाई। अब इसी एक्स को इस साइड पे ट्रांसफर करें तो डिवाइड में आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट प्लस वाई होल डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, अब वो इसी एक्स को हम लिख सकते हैं इसी तरह, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट डिवाइड बाई इसी एक्स को एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये दोनों कैंसिल, वही एक्स आता है। तो देखिए, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर रूट है और यहाँ पर बी स्क्वायर रूट आ जाए प्लस वाई ओवर एक्स। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस वाई ओवर एक्स। ठीक है, तो देखिए आप अब इसकी नीचे ये अलग लिखेंगे और इसकी नीचे ये अलग, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट प्लस वाई ओवर एक्स। तो देखिए, ये दोनों कैंसल्ड, हमारे पास आ जाएगा वन प्लस वाई ओवर एक्स होल स्क्वेयर स्क्वेयर रूट प्लस वाई ओवर एक्स, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो देखिए, आप ये हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, क्योंकि ये इट इज अ फंक्शन ऑफ वाई ओवर एक्स, तो इसको हम कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, यहाँ पे हमने कहा था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सपोज करेंगे वाई इज इक्वल टू वी एक्स,
This implies that v is equal to y over x. अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएट करें, तो हमारे पास आ जाएगा dy over dx is equal to v. प्रोडक्ट रूल हमने यहाँ पे डायरेक्ट यूज किया, प्लस x dv और dx. तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस x dv और dx, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी dy और dx. ठीक है, चलिए क्या वो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमने इसी इक्वेशन में डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करनी है. तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब वो इसकी वैल्यू भी पुट करें, पुट वैल्यूज जो कि हमने सपोज किया था. देखिए यहाँ पे डी वाई और डी एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास है v प्लस एक्स डी वी और डी एक्स. देखिए यहाँ पे v प्लस एक्स डी वी और डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई और एक्स हमारे पास इक्वल है v के. सो v स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस वी, इसी वी को इस साइड पे ट्रांसफर करें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस वी माइनस वी. तो ये कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर स्क्वायर रूट. ठीक है, इस dx को इस साइड पे ट्रांसफर करें तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर स्क्वायर रूट dx. सो सेपरेटिंग वेरिएबल ठीक है. तो देखिए यहाँ पे ये x को इस साइड पे ट्रांसफर करें, ये इस साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर स्क्वायर रूट डी वी इज इक्वल टू ये एक्स इस साइड पे. सो 1 ओवर एक्स डी एक्स. नाउ इस दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन ले ले. सो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो देखिए यहाँ पे 1 ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी बिकम्स इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स डी एक्स. क्लियर. अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला है, ये हमारे पास इक्वल है लॉग ऑफ वी प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर स्क्वायर रूट. इसका इंटीग्रेशन ये हमारे पास ये आता है. अब इसको हम प्रूव करेंगे कि ये किस तरह आता है, और यहाँ से आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस सी. सी हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, इसकी जगह हम कुछ भी लगा सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे, यहाँ मैंने लगाया लॉग ऑफ सी. क्लियर. तो देखिए ये प्लस है तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें, हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ सी एक्स. मीन्स ये हमारे पास इक्वल होगा लॉग ऑफ सी एक्स. तो देखिए यहाँ पे देखिए हमारे पास यह जाएगा, अब दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल ले ले, तो ये लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा v प्लस 1 प्लस v स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सी एक्स. अब इसी v की वैल्यू पुट करें जो कि हमारे पास है y ओवर x प्लस 1 प्लस y ओवर x होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सी एक्स. क्लियर. अब वो ये कंडीशन यूज करें, यूजिंग कंडीशन मींस एक्स की जगह पुट करें, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई की जगह पुट करें 0. ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 ओवर 1 प्लस 1 प्लस 0 ओवर 1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सी एन टू 1. देखिए यहाँ पे ये 0 प्लस 1 प्लस 0 स्क्वायर रूट
is equal to c, which is equal to 1, 0 plus 1 square root is equal to c, means c is 1. Clear? अब इसी c को यहाँ पे put करें तो हमारे पास आ जाएगा y over x plus 1 plus y square divided by x square square root is equal to c. c sorry ये 1 है, so 1x. देखिए यहाँ पे ये हमारे पास इसी differential equation का solution आ गया. इसको हम और भी simplify कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं. यहाँ पे मैंने अगर आप यहाँ पे छोड़ दे तो ये आंसर भी ठीक है. अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, फिर इसका अलग स्क्वायर रूट, इसका अलग स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल. फिर यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया है, देखिए यहाँ पे सो वाई प्लस ये आ जाएगा डिवाइड बाई एक्स. इसी एक्स को फिर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ये. अच्छा देखिए ये भी आंसर आता है, अगर आप इसको इस साइड पे ट्रांसफर करें तो हमारे पास ये आंसर भी आता है, ठीक है? अच्छा देखिए यहाँ पे अब ये मैंने कहा कि ये वन इंटीग्रेशन वन ओवर वन प्लस वी स्क्वायर स्क्वायर रूट टी वी हमारे पास इक्वल है इसके. तो देखिए इसको हम प्रूव करते हैं ये किस तरह आता है. अच्छा देखिए यहाँ पे 1 और 1 प्लस वी स्क्वायर रूट डी वी इंटीग्रेशन. तो देखिए यहाँ पे ये हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था, अगर हमारे पास इसी तरह आ जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वहाँ पे हम सपोजिशन करेंगे x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा. देखिए यहाँ पे ए की जगह पे यहाँ पे है 1, सो यहाँ पे मैंने सपोज किया v इज इक्वल टू 1 टेंजेंट थीटा. फिर मैंने इसको v इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास आ गया डी वी ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा ऑफ टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर थीटा. इसी डी थीटा को मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया, मैंने डी वी की वैल्यू फाइंड की और v की वैल्यू हमारे पास है टेंजेंट थीटा. अब इसी दोनों वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास आ गया सी स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट. तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज सी स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर के साथ कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय सी, ये सी यहाँ पे कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन सी थीटा डी थीटा और ये हमारे पास इक्वल है लॉग ऑफ सी थीटा प्लस टेंजेंट थीटा. सी थीटा हमारे पास इक्वल है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट प्लस टेंजेंट थीटा. टेंजेंट की वैल्यू मैंने पुट की जो कि हमारे पास है वी, सो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस वी. तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास इक्वल है इसके. अच्छा देखिए यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये हमारे पास इक्वल है सी स्क्वायर थीटा के. अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आ जाएगा ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसल, सो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है? देखिए यहाँ पे अब हाँ ये तो हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन सॉल्व की, अब हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए यहाँ पे